Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दो बहनों की दर्द भरी जिंदगी के कुछ पन्ने। ये वो दौर है जब अमेरिका में गुलामी का घिनौना काम होता था। 40 लाख अफ्रीकन ब्लैक लोगों को लाकर यहाँ पर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। कहानी के शुरुआती सीन में हम गुलाम औरत को देखते हैं जो लकड़ियां ढोकर ला रही थी, पर बीच में उसे दो लोग दिखते हैं जो एक टांगे पर थे। कुछ ही देर बाद उस टांगे से एक लड़की बाहर निकलती है और भागना शुरू कर देती है, पर उनमें से एक आदमी उसे गोली मार देता है। और दरअसल उन्होंने उस लड़की को खरीदा था और मन भर जाने के बाद उसे मार दिया। पर यहाँ इस गुलाम औरत को वो लोग देख लेते हैं और फिर क्या था, वो उसे भी मार देते हैं और दोनों की लाशों को उसी टांगों में रख कर जला देते हैं। कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। ये सीन देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ के हालात कैसे हैं। जिसके बाद हम अगस्ता नाम की लड़की को देखती हैं जो खरगोश का शिकार करने की कोशिश कर रही है। उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है लुईस। वो एक ग्रेव पर उदास बैठी हुई है। दरअसल ये दोनों बहनें अकेली हैं, इनका कोई भी अपना नहीं है। भाई और बाप दोनों ही जंग में शहीद हो गए और तब से लेकर आज तक ये ऐसे ही अकेले इस गाँव में रहती है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि इनके साथ एक गुलाम भी है जिसका नाम है मैट। वो कई सालों से इनके साथ रहा करती है। इसी दौरान जंगल से गोली चलने की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि अगस्ता ने आज का खाने का इंतजाम कर लिया। वो घर आने पर उसे पकाती है और तीनों ही साथ में बैठकर खाते हैं। अगस्ता मैट को गुलाम की नजरों से नहीं देखती, लेकिन वहीं दूसरी ओर लुईस इसे एकदम पलट है। उसे मैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके साथ उठना बैठना उसे अच्छा नहीं लगता और यही बात अगस्ता को पसंद नहीं आती। इसीलिए वो उसे बात बात पर टोकती रहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे जैसी है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि तीनों एक साथ ही सोती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कोई घर के अंदर ना घुसा। खुद की सेफ्टी के लिए वो गेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा भी लगाती हैं जिससे कि उन्हें पता चल सके कि कोई आ रहा है, और सब चौकन्ना हो जाते हैं। दरअसल जिस गांव में ये लोग रहते हैं वहां पर अच्छे लोग नहीं हैं, सभी शराबी हैं, इसीलिए इन्हें खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। बीच रात लुईस को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसका भाई और डैड दोनों ही जंग में जख्मी हालत में इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। अब ये दर्दनाक मंजर देखकर उनकी आंख खुल जाती है और तब अगस्ता उसे शांत कराती है। पर लुईस को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ उनके साथ हो गया, क्योंकि उसका भाई और डैड दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे। अब नेक्स्ट डे जब अगस्ता बाहर लकड़ियां काट रही होती है तो उसी दौरान उसे एक आवाज आती है जो कि लुईस की थी। वो जंगल गई थी। अब दोनों ही यहाँ से उसकी ओर भागती हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उसके पैर में किसी जानवर ने काट लिया, जिस वजह से वो चिल्ला रही थी। जिस चीज को लेकर अगस्ता मैट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए था, वहां क्या कर रही थी तुम? तो वो कहती है कि मुझे भी और भी काम होते हैं, लेकिन ये बात अगस्ता को पसंद नहीं आती जिस वजह से वो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। उसके दिल में अभी भी वो गुलाम वाली भावना मौजूद थी मैट के लिए कि कैसे उसने पलट कर जवाब दे दिया। पर यहाँ मैट भी चुप नहीं बैठती, वो भी उसको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती है, पर अगस्ता कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया। खैर अब दोनों ही लुईस को उठाकर घर लेकर आते हैं, पर उसकी हालत बहुत ही बेकार हो रही है, तेज बुखार चढ़ने लगा और इसीलिए वो उसके लिए फौरन दवाइयां लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर कोई दुकान तो है नहीं, कुछ लोग थे जो अपने घर में ही दवाइयां रखते थे या फिर गोदाम में। उन्हीं में से वो एक मैरी नाम की औरत के घर पर जाती है, पर उसका गेट तो पहले ही खुला हुआ था। वो अंदर जाकर आवाजें लगाने लगती है पर कोई जवाब नहीं देता। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहां पर मैरी कुर्सी पर चुपचाप बैठी है पर कुछ बोल नहीं रही है। पास जाकर वो देखती है कि उसने तो जहर खा लिया और उसे गुजरे हुए हफ्ते हो गए, जिस वजह से उसकी बॉडी अब सड़ना शुरू हो गई है। दोस्तों इस समय में किसी को खुद का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि आए दिन चोरियां डकैतियां होती रहती थी, कोई किसी को भी मार देता था, पुलिस जैसी चीज का कोई भी नामो निशान नहीं था, अगर था भी तो वो सही से काम नहीं करते थे। वहां से अगस्ता अब दूसरी जगह जाती है जो कि एक शराब खाना था। काफी लोग बैठे हुए थे, उसमें से वो एक अकेली लड़की थी। उस जगह के मालिक शॉन उसे पहले से जानता है, इसीलिए वो उसे देख कर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। शॉन उसे मैरी के बारे में पूछता है क्योंकि ज्यादातर वो वहीं जाती है अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, पर अगस्ता बताती है कि उसकी पहले ही मौत हो गई है और ये सुनकर शॉन उसे फौरन वापस जाने को कहता है। उसकी बहन घर पर अकेली है, कुछ भी हो सकता, लेकिन वो बताती है कि उसे अर्जेंट कुछ दवाइयां चाहिए पर वो मना कर देता है। इसी बीच उसके पास हेनरी नाम का बंदा आता है और उसे बहुत ही बुरी नजरों से देखना शुरू कर देता है। वो उसे खुद के पास आने को कहता है, उसके और उसके साथी भी पीछे बैठा हुआ था तो वो उसे लगातार देख ही जा रहे थे, जिससे ये अगस्ता डर जाती है। पर वहाँ क्लारा आती है और उसे कुछ दवाइयां देती हुए कहती है कि तुम्हें ऊपर वाले कमरे में चले जाना चाहिए, मैं यहाँ इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। वो ऐसे ही करती है लेकिन मार की नजरें उसे हटी नहीं रही थी,
वो उसे देखता रहता है और फिर पीछे पीछे ऊपर भी पहुंच जाता है। उधर क्लेयर पूरी कोशिश करती है कि वो हैनरी को रोक सके, पर वो उसे पंच मारकर गिरा देता है और भागते हुए ऊपर जाता है, जहां पर वो देखता है कि अगस्ता खिड़की से बाहर भाग गई है। वो फौरन बाहर आता है और वहां अगस्ता के घोड़े पर बैठा हुआ देखता है। उसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी थी और वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप कर लो। तभी वहाँ हेनरी भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम जहाँ भी भागने की कोशिश करोगी हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और शायद तब तुम्हारी जान भी चली जाए, इसलिए बेहतर है कि हमारे साथ चलो। यह आप उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के मुताबिक पहले का अमेरिका में किस तरह की जिंदगी थी औरतों की। उन्हें सिर्फ खिलौने की तरह देखा जाता था और इस्तेमाल किया जाता था, और अगर वो गलती से भी ब्लैक हो तो फिर उसकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होती थी। यह अगस्ता उनके मुंह पर थूक कर चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन दोनों को शॉन और मैरी पर इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें वहीं मार देते हैं बिना कुछ कहे। सिर्फ उनकी गलती ये थी कि उन्होंने उसकी मदद की। इधर घर पहुंचने पर वो देखती है कि लुईस बुखार के मारे कांप रही है, उसकी हालत और भी बेकार हो चुकी है। वो फौरन ही उसके जख्म पर वो मरहम लगा देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से अगस्ता की तलाश में निकल चुके हैं और उस शराब खाने से उस घोड़े के निशान का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास आकर रुकते हैं, जहां उन्हें एक कपड़ा फंसा हुआ मिलता है जो शायद अगस्ता का हो सके। वहीं एक तरफ हम अगस्ता और मैट को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैट उसकी खरीदी हुई गुलाम है। उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है जिसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस गुलामी के चक्कर में वो दोनों अलग हो गए, फिर कभी नहीं मिल सके। उसकी बातों को अगस्ता बहुत ही गौर से सुन रही थी। आखिर में वो उसे पूछती है कि आखिर कैसा लगता है जब हमें प्यार होता है, कि इसे समझाया नहीं जा सकता, जब तुम्हें हो जाएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। पर उसके मन में एक डर था कि कहीं इस जंग में पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, देन वो प्यार किससे करेगी। तो मैट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी दौरान वहाँ लुईस आ जाती है और उसकी हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी। उसको खड़ा देखकर अगस्ता काफी खुश होती है। उसके लिए पूरी जिंदगी अब उसकी छोटी बहन ही है, जो कुछ भी वो करती है उसी के लिए करती है। उसके भाई और पिता के जाने के बाद अब उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस घर की। अब शाम के अंधेरे में हम किसी आदमी को देखते हैं जो उसी शराब खाने के बाहर उन दोनों लोगों को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। शायद वो किसी को ढूंढ रहा है जो कि अभी तक उसे मिला नहीं है। अब रात में अगस्ता को घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो फौरन बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए और अब वो उन्हें मारकर ही दम लेंगे, इसीलिए वो फौरन ऊपर जाती है और उन दोनों को जगाती है। तब मैट उसे बताती है कि नीचे ड्रॉर में एक बंदूक है जो तुम्हें लाना होगा। मैं यहाँ लुईस के साथ हूँ, और वो ऐसे ही करती है और नीचे जाकर उस बंदूक को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में बाहर से लगातार गोलियों की बौछार होने लगती। वो तुरंत ही लेट जाती है और खुद की जान बचाती है, लेकिन अभी तक उसके घर में वो लोग आग लगा देते हैं, जिसे बुझाने की वो बहुत कोशिश करती है। यहाँ तक कि वो खुद के कपड़े भी उतार देती है ताकि उसकी मदद से वो आग को बुझा सके, और आखिर में कामयाब भी होती है। पर इसी का फायदा उठाकर हेनरी किचन की खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन अगस्ता ऐसा होने नहीं देती। वो उस पर गोलियां चला देती है जिससे कि उसका एक हाथ घायल हो जाता है, और इतने में वो ऊपर मैट के पास पहुंच जाती है और उसे बंदूक दे देती है। लेकिन ऐसे छुपने से काम नहीं चलेगा, इन्हें कैसे भी करके उन्हें मारना ही होगा, तभी कुछ हो सकेगा। इसीलिए अगस्ता बंदूक लेकर नीचे आ जाती है और बाहर जाकर इधर उधर भागने लगती है ताकि वो उसे देख सके, और ऐसा होता भी है। हेनरी उसे देख लेता है पर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क घर के गेट को तोड़कर ऊपर आ गया था, जहां पर मैट उसके ऊपर बंदूक तानती है, लेकिन वो बंदूक अटक जाती है, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से मार्क को मौका मिल जाता और वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता। अब उसके हाथ लग गई थी लुईस जो कि बीमार थी। अब वो उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता और फिर उसके साथ गलत काम करता है। उधर बाहर हेनरी अगस्ता को देख लेता और उसकी ओर गोली चलाता है जो कि उसको लग भी जाती है, जिसके चक्कर में वो गिर जाती है। हेनरी उसके पास आकर उसके मुंह पर टॉयलेट कर देता है, लेकिन इतने में अगस्ता उठकर उसे शूट कर देती है क्योंकि वो गोली उसके हाथ में लगी थी ना कि उसके सर में। इधर घर के अंदर मार्क का मकसद पूरा हो चुका था, इसीलिए वो उसे मारने वाला होता है कि पीछे से मैट उसी बंदूक से उसे मार डालती है जो कि अब चल रही थी। लेकिन इस हादसे से लुईस पूरी तरह से सहम गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। यहाँ मैट उसे सहारा देती है और गले से लगा लेती है। इतने में ऊपर घायल अगस्ता भी पहुंचती है और तीनों गले से लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद लड़कर खुद की जान बचाई थी, और ऐसी हिम्मत का काम हर कोई नहीं कर सकता। मैट देखती है जो गोली हेनरी ने अगस्ता को मारी थी वो उसके हाथों को छू कर निकल गई है, जिसमें से बहुत खून बह रहा है, इसीलिए वो फौरन उसके घाव पर पट्टी बांधती है। लेकिन अगस्ता अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर एकदम से टूट जाती है।
वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तब मैट उसे बताती है कि आज जो लुइस के साथ हुआ वो उसके साथ भी 10 साल पहले हुआ था, जब वो 16 साल की थी और एक फार्म पर काम करती थी। उस आदमी का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी और उस दिन उसने सबसे बेसहारा महसूस किया क्योंकि कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। पर आज जब उसने लुइस के गुनहगार को अपने हाथों से मारा तो उसे ऐसा लगा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया। उसकी बातों को सुनकर लुइस को भी समझ आता है कि आखिर किस दर्द से मैट हर दिन गुजरती है, पर उसने उसे हमेशा गलत ही समझा। वो उसे माफ़ी मांगती है और सभी वहाँ पर रोने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें फिर से किसी की आवाज़ आती है। मैट और अगस्ता दोनों अलग अलग दिशा की तरफ भागते हैं, पर यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मैट का हस्बैंड होता है जो उसे बरसों से ढूंढ रहा था। वो शराब खाने पर भी गया था। मैट उसे पहली नज़र में ही देखकर पहचान जाती है, लेकिन तभी पीछे से अगस्ता उसे शूट कर देती है जिससे कि वो वहीं गिरकर मारा जाता है। यहाँ पर अगस्ता को लगा कि शायद कोई बाहरी आदमी है जो उन पर हमला करने के लिए आए, पर जब उसे सच पता चलता है तो वो खुद को समझा ही नहीं पाती कि आखिर इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। उसने मैट के हस्बैंड को ही मार डाला। उधर बिल मैट के गोद में सर रखकर धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए यहाँ तक आया, लेकिन आज फिर उन दोनों का साथ होना ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। अगले ही पल वो अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद मैट अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। लुइस को कुछ भी नहीं पता था कि अभी अभी बाहर क्या हुआ है। बाहर खड़ी अगस्ता देखती है कि हेनरी वहां से गायब, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। अंदर आकर अगस्ता मैट के सामने बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है, पर मैट उसे समझाती है कि यही गुलामों की जिंदगी होती है। अगर आज तुम उसे नहीं मारती तो कल कोई और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता। यही हम लोगों की जिंदगी है। मैंने तुम्हें माफ किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और मैट की दरिया दिली दिखाती है कि उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अब धीरे धीरे उजाला होने लगता है, पर अभी भी हेनरी जिंदा है। इसीलिए तीनों ही वहां से बंदूक लेकर सामने वाले घर में जाती, जहां पर हेनरी घायल था। वो हाथ में बंदूक लिए वो बैठा था। अगस्ता उसके पास जाकर बैठती है और पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, लोगों को क्यों तकलीफ देता है। तो वो बताता है कि वो एक बैमर है, यानी कि वो सैनिक जो आने वाले यूनियन आर्मी के सैनिकों के लिए पहले से खाना और लड़कियों का इंतजाम कर सके। कुछ ही देर में यहाँ पर जनरल बिल की सेना आने वाली है। उसके रास्ते में जो भी कोई आएगा वो सब तबाह कर देगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, उस दौर में अमेरिका आर्मी के अलावा एक और आर्मी भी मौजूद थी, जो कि थी टेक्सस और लॉस एंजलिस के लोगों की। दरअसल अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो तेजी से इस गुलामी के एक दौर को खत्म करना चाहते थे, पर अभी भी कुछ लोग थे जो इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी सारी फसलें और काम इन्हीं गुलामों से होता था। अगर यही गुलाम चले गए तो काम कौन करेगा। इसीलिए उन्होंने विरोध के लिए खुद की आर्मी बना डाली, लेकिन आखिर में वो जीत ना सके और आखिर में ये सब खत्म हो गया। अमेरिका से अब लोग गुलाम तो हैं, लेकिन सरकार को वो भी एक लीगल तरीके से। आगे हेनरी कहता है कि वो अपनी बंदूक से उसे मार दे, अगर वो बिल के हाथ लग गया तो उसे हर दिन वो थोड़ा थोड़ा मारेगा। इसीलिए अगस्ता उसे मार देती है। वो उन तीनों की लाशों को वहीं घर के पास ही दफना देते हैं। उस समय अगस्ता को हेनरी के जेब से उसका परिवार की एक फोटो मिलती है, जिसमें उसके बच्चे थे और बीवी थे। उसे देखकर वो भावुक हो जाती है। हम देख सकते हैं कि गुलामी की प्रथा ने किस कदर लोगों को तकलीफ दी, उन्हें इंसान से जानवर बना दिया। और यही देखकर अब्राहम लिंकन ने यह गुलामी को खत्म करने का फैसला किया। यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वेल, कहानी पर आते हैं। अगले ही पल उन्हें कुछ ही दूरी पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। लोग चीख रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मैट कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन अगस्ता मानने को राजी नहीं थी। उसका कहना था कि ये उसकी जमीन है, उसका घर है, वो ऐसे ये सब छोड़कर नहीं जा सकता। तब मैट उसे समझाती है कि हम तीन लड़कियां अकेले उनसे नहीं लड़ सकते, हमें चलना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। वो उसकी बातों को मान लेती है और फिर लड़कों जैसा गेटअप करके वहां से निकल जाती है और एक नई जीवन की तलाश में नए देश की ओर, जहाँ की दुनिया, जहाँ के रीति रिवाज एकदम परे हों। जाते जाते उन्होंने अपने घर को भी आग के हवाले कर दिया है, ताकि यूनियन आर्मी वाले उसे यूज ना कर सके। दोस्तों, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म बल्कि कई सौ सालों से चलते हुए आ रहा है। कुछ व्हाइट और रिच लोगों ने हमारे अपने देश में तकरीबन 200 सालों से ज्यादा राज किया। उस दौर में उन्होंने वो हर काम भारत के लोगों से करवाया जो उन्हें बहुत तकलीफ दे सके। जब उनके जाने का समय आया तब भी उन्होंने हमें दो हिस्सों में बांट कर चले गए। और ऐसे ही अमेरिका में भी हुआ। वहां पर अब्राहम लिंकन की क्रांति ने एक नया दौर लाया। सेम ऐसे ही हमारे देश में गांधी जी की आंखों में एक नया भारत देखा था, एक आजाद भारत। वेल, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लड़ते रहिए, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो आपके सामने, एक ना एक दिन इंसानियत और अच्छाई की जीत जरूर होती है। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।